हेलो प्यारे बच्चों वेलकम बैक टू तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर थर्टी फोर क्लास सिक्स सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए शेड्यूल की गई है आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट सात हमारा देश हमारा भारत उसके बारे में कि भारत जो है उसका भौगोलिक विस्तार कैसा है उसकी स्थिति वो ग्लोब में कहाँ पर है वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो जो है शुरू करने से पहले बेटा आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सो लेट्स स्टार्ट हमारा देश भारत भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है ठीक है उत्तर में क्या है हिमा ये जो है ऊंचे शिखरों से ये घिरा हुआ है पश्चिम में इसके अरब सागर है तो ये देखिए पश्चिम में क्या है यहाँ पे ये अरब सागर है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है यानी ये जो भाग है ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है समुद्र से घिरा हुआ है ठीक है सो दक्षिण में हिंद महासागर है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं तो ये सागर जो है यहाँ तीन तरफ से ये है सागर से घिरा हुआ है प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है तो ये भाग क्या कहलाएगा ये प्रायद्वीप भाग कहलाएगा जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है अब हम करेंगे इसकी स्थिति के बारे में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ठीक है कौन से गोलार्ध में है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा है वो तेईस डिग्री तीस ठीक है देश के अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है तो ये है ये जो है क्या है ये कर्क रेखा है उसके बाद देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको देखना है ठीक है दक्षिण से उत्तर की ओर जो भूमि का विस्तार है वो आठ डिग्री चार और सैंतीस डिग्री छः अक्षांश के बीच स्थित है सो so, यहाँ से बेटा आप देखेंगे ये देखिए ये क्या है ये आठ डिग्री चार ठीक है और यहां तक अगर आप जो मैप दिया गया है उसको ध्यान से समझेंगे यहां से यहाँ तक सैंतीस डिग्री छः ठीक है तो ये इन अक्षांशों के बीच स्थित है अब बात करते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये देखिए यहाँ ये है पश्चिम और यहाँ है पूर्व तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री सात और 97 डिग्री 25 ठीक है ये 97 डिग्री 25 और ये जो है सिक्सटी सिक्सटी डिग्री सेवन पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है तो ये क्या है ये पश्चिम से लेकर पूर्व देशांतर इनके बीच ये स्थित है उसके बाद देखिए एटी टू ठीक है बयासी डिग्री तीस पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को तो आप देख सकते हो ये है बयासी डिग्री तीस ये भारत का मानक या है इसका मतलब क्या है बयासी डिग्री तीस पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में भारत जो मानक समय है उसके रूप में लिया गया है और इस यामूत्र को भारत का मानक यामूत्र भी कहा जाता है भारत का क्षेत्रफल वो थर्टी टू पॉइंट एट लाख वर्ग किलोमीटर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए भारत का क्षेत्रफल कितना है थर्टी टू पॉइंट एट लाख वर्ग किलोमीटर है और कितने जो है किसको भारत का स्थानीय समय को जो है मानक समय के रूप में लिया गया है एटी टू डिग्री थर्टी पूर्व देशांतर को उसके बाद देखिए उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग बत्तीस सौ किलोमीटर है सो so, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तो उत्तर में कश्मीर देखिए ये कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो लगभग बत्तीस सौ किलोमीटर है तो ये जो लंबाई है ये कितनी है लगभग बत्तीस सौ किलोमीटर ठीक है उसके बाद अगर हम देखें पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तो ये है पूर्व ठीक है पूर्व और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक ये गुजरात में कच्छ और यहाँ तक इसका विस्तार लगभग उनतीस सौ किलोमीटर है तो ये लिखा हुआ है लगभग उनतीस सौ किलोमीटर इसका विस्तार है तो ये हो गई आपकी वर्कशीट जिसमें आपने पढ़ा कि पूर्ण पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है वो उनतीस सौ किलोमीटर है कश्मीर से कन्याकुमारी बत्तीस सौ किलोमीटर है क्षेत्रफल लगभग थर्टी टू पॉइंट एट लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है स्थानीय समय कितना लिया गया है एटी टू डिग्री थर्टी पूर्व देशांतर को स्थानीय मानक समय के रूप में लिया गया है अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो तीन प्रश्न हैं। भारतीय है भूभाग का क्षेत्रफल कितना है ये है पहला प्रश्न तो कितना क्षेत्रफल है यही आंसर है भारत का क्षेत्रफल लगभग बत्तीस पॉइंट आठ लाख वर्ग किलोमीटर है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्वेश्चन नंबर दो का है उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए तो प्रायद्वीप जो है उसको परिभाषित करना है प्रायद्वीप क्या है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दो का आंसर थर्ड जो क्वेश्चन है आपका भारत का मानक यामूत्र क्या है तो भारत का मानक यामूत्र क्या है 82 ये लिखेंगे आप बयासी डिग्री तीस पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है और इस यामूत्र को भारत का मानक यामूत्र भी कहा जाता है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर तो केवल आप एटी डिग्री थर्टी पूर्व देशांतर भी इसमें लिख सकते हैं ठीक है ये भी आप केवल लिख सकते हैं कि इसको भारत का या जो है मानक यामोत्र कहा जाता है सो so ये हो गई बच्चों आपकी वर्कशीट आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे